हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में कटोरी ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग करना सीखेंगे। इसे 36 साइज का बनाएंगे फ्रेंड्स और नॉर्मल नेक के अकॉर्डिंग बनाएंगे, डायरेक्ट कपड़े पे कट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने ये साड़ी का मेन कपड़ा लिया है और ये हमारी लाइनिंग है फ्रेंड 80 सेंटीमीटर की है। अगर आप डायरेक्ट कपड़े पे कटोरी का ब्लाउज कट कर रहे हो और इस तरह से कट कर रहे हो फ्रेंड, तो आपको 1 मीटर लाइनिंग लेनी होगी, नहीं तो आपकी एक कटोरी में जोड़ आएगा। अगर आप जोड़ डालना पसंद करते हैं तो आप 80 सेंटीमीटर में कट करिएगा। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमने ब्लाउज के लिए 13 इंच ली है, 1 इंच मार्जिन का प्लस करके 14 इंच ले लिया है। और देखिए यहाँ पर हम गले की लंबाई 11 इंच रखेंगे और इसमें हम डबल गला बनाएंगे फ्रेंड। एक गला हम 7 इंच पर रखेंगे, इसी गले के अकॉर्डिंग अपना शोल्डर और आर्म होल लेते हैं। हमारा गला जो 7 इंच का है फ्रेंड, इसके अकॉर्डिंग हमने अपने शोल्डर को 6 इंच लिया है, आर्म होल भी 6 इंच लेंगे। तो इस तरह से फ्रेंड अपने गले के अकॉर्डिंग अपना आर्म होल शोल्डर लेते हैं। देखिए 6 इंच हमने आर्म होल को ले लेना है। देखिए इस तरह से, देखिए चेस्ट का चौथाई लेंगे 9 इंच, 36 चेस्ट है फ्रेंड। 2 इंच का मार्जिन रखेंगे, मार्जिन आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए आर्म होल के पास हमने 1.5 इंच पे गोलाई दे देनी है। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमारी कमर 29 इंच है, उसका चौथाई लेंगे 7.5 इंच, 1 इंच मार्जिन कर लेंगे, टक्स कर लेंगे, 2 इंच मार्जिन कर लेके इस तरह से कटिंग और फिटिंग की लाइन को मार्क कर लेना फ्रेंड। कटोरी ब्लाउज में इसी मार्किंग के अकॉर्डिंग अगर हम फिटिंग लगाते हैं तो एकदम परफेक्ट फिटिंग आती है। हमको बार बार फिटिंग नापने की जरूरत नहीं पड़ती है, एक बार ट्राई करके देखिएगा फ्रेंड्स। और अब देखिए जितनी हमारी कमर है उसका हाफ करेंगे, इसका सेंटर लेंगे फ्रेंड्स टक्स लगाने के लिए। बैक का टक्स हम हाफ हाफ इंच का लेते हैं इस तरह से, ये देखिए। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड, हाफ इंच हम ऊपर की साइड उठाएंगे, इस तरह से उठा के एक लाइन मार्क कर लेंगे, इस तरह से मिला के मिलाना यहाँ पे हमारी टक्स है। इसकी वजह से हमारे आर्म होल के पास सल नहीं आता है, इसलिए हम हाफ इंच ऊपर उठाते हैं फ्रेंड्स। गले की चौड़ाई देखिए हम यहाँ पे 3 इंच लेंगे, क्योंकि गला छोटा है इसी के अकॉर्डिंग में गले की चौड़ाई ज़्यादा ली है। और देखिए नीचे की साइड भी हम 3 इंच ले लेंगे और बॉक्स बना लेंगे। अब एक गला देखिए फ्रेंड, हमने 7 इंच पे मार्क किया है इस तरह से। और अब अपने गले का शेप दे देते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी शेप दे सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम यहाँ पे शोल्डर डाउन नहीं करेंगे और बैक पार्ट को कट कर लेंगे। तो हमने बैक पार्ट कट कर लिया फ्रेंड, तैयार पे कट लगा लेते हैं और इसी पार्ट को रख के अपने फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने लाइनिंग को डबल फोल्ड करके ओपन साइड अपनी ओर रखा फ्रेंड्स, और एज इट इज जैसे हमारा बैक पार्ट है उतार लेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे अपने बैक पार्ट को उतार लिया, बैक पार्ट हटा लेते हैं। और सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम 1 इंच अपनी लेंथ को बढ़ाएंगे, जितना फ्रंट पार्ट की लेंथ 15 इंच लेंगे, बैक की हमारी 14 इंच है फ्रेंड्स। 13 तैयार है, हमने बैक में 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है और फ्रंट में 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। और हाफ इंच देखिए हमने हुकाई का ले लिया है। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड, सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, हम आर्म होल पर गहराई दे देंगे। तो शोल्डर आर्म होल को पहले हम नाप लेंगे और इस तरह से लाइन को मार्क करके आर्म होल पर गहराई देंगे फ्रेंड, जो हमारे फ्रंट पार्ट का है। और गहराई देखिए यहाँ पे नीचे की साइड हमने 1 इंच नापना है और जो हमारी गहराई आएगी वो 1/2 इंच की आएगी इस तरह। देखिए हमने मार्क कर लेना है। अब देखिए फ्रेंड, अपने गले बेल्ट और टक्स की लेंथ लेंगे। गला हम अपने 6.5 इंच पे लगाएंगे। टक्स की लेंथ देखिए फ्रेंड, चेस्ट का चौथाई प्लस 1 इंच लेते हैं, तो यहाँ पर 10 इंच लेंगे और टक्स से 2 इंच नीचे हम अपनी बेल्ट की लाइन को मार्क करेंगे इस तरह से। अब देखिए हम तीनों लाइन को इस तरह से मार्क कर लेंगे हॉरिजॉन्टली। और देखिए फ्रेंड, गले का पहले हमने एक बॉक्स बना लेना है, जितनी चौड़ाई हमने ऊपर रखी उतनी नीचे रखेंगे, 3 इंच ही। और गले का शेप दे देंगे राउंड में, आप अपना गला स्वीट हार्ट पान कुछ भी बना सकते हैं फ्रेंड्स। और देखिए जो हमारी बेल्ट की लाइन है यहाँ पे हम 1 इंच ऊपर लेंगे बेल्ट का शेप देने के लिए, और वेट जहाँ तक ये शेप आएगा वो चेस्ट का 10वां लेंगे। तो यहाँ पे हम 3.6 इंच लेंगे फ्रेंड्स, 1/2 इंच हुकाई का छोड़ के,
और देखिए इस तरह से करके हमने बेल्ट का सेप दे देना है। और इस साइड देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हाफ इंच हम उठाएंगे। ये हम इसलिए उठाते हैं जैसे हमने बैक पार्ट में उठाया है उसी अकॉर्डिंग इसको उठा के यहाँ से इतना कपड़ा कट कर देंगे फ्रेंड्स, हमारा फ्रंट बैक दोनों बराबर आता है। अब देखिए बेल्ट की हम फिटिंग की मार्किंग कर लेंगे, तो कमर 7.5 इंच है और 2 इंच मार्जिन का लेके इस तरह से कटिंग और फिटिंग की लाइन को मार्क कर लेना है। तो इस तरह से हमारा बेल्ट एकदम परफेक्ट हो जाता है फ्रेंड्स। तो अब हम अपने बेल्ट वाली लाइन पे फ्रेंड्स अपनी कटोरी का छठा भाग लेंगे, यानी चेस्ट जितनी है उसमें हम 6 से भाग करेंगे, इतना हमारा आएगा हमारी कटोरी की मार्किंग होगी। तो हमारे देखिए 36 में हम 6 से भाग करेंगे तो 6 इंच आ रहा है, तो मैंने 6 इंच पे देखिए कटोरी के लिए मार्क कर दिया है। आर्म होल के पास से हमने 2.5 इंच लिया है फ्रेंड्स, आप 2.5 इंच या 2.25 दोनों ले सकते हैं। और देखिए इस तरह से करके हमने कटोरी का सेप दे दिया है। गले को 1.5 इंच ऊपर लेंगे और इस तरह से देखिए मार्क कर लेंगे। अब देखिए फ्रेंड मार्किंग के अकॉर्डिंग कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड हमारा बेल्ट और साइड वाला पार्ट एकदम परफेक्ट मार्क हुआ है, सिर्फ कटोरी को हम अलग से कट करेंगे। हमने आपको अपने चैनल पे कई प्रकार से कटोरी ब्लाउज की कटिंग बताई है फ्रेंड्स, अगर आप उस तरह से देखना चाहते हैं तो इतने कपड़े में हमारी कटोरी का ब्लाउज परफेक्ट हो जाता है। लेकिन आप लोगों में से कई लोगों ने कमेंट किया है कि हमारी कटोरी चपटी हो जाती है। तो देखिए अब अगर आपकी कटोरी चपटी हो रही है तो आप इस तरह से ब्लाउज को कट करें फ्रेंड्स, तो एकदम कटोरी परफेक्ट आएगी, मार्कर जैसी पफ आएगी इसमें फ्रेंड्स। और आप उस तरह से भी ध्यान से कट करेंगे तो भी आपकी कटोरी बहुत ही अच्छी आती है। तो देखिए आपको जैसा इजी लगे आप उस तरह से कट कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए हमने अपनी कटोरी को मार्क करना है, तो हम इसके लिए जो हमारी कटोरी निकलेगी इसको हम अलग से मार्क करेंगे और अलग से कट कर लेंगे। यहाँ पे सिर्फ हमारा साइड और बेल्ट का पार्ट परफेक्ट आया है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा ये साइड का पार्ट भी कट हो गया है, तैयार पे कट लगा लेते हैं। इसी कट के अकॉर्डिंग अपनी फिटिंग लगाएंगे तो फिटिंग एकदम परफेक्ट आती है। ये देखिए ये हमारा साइड का पार्ट है, ये बेल्ट का पार्ट है, एकदम परफेक्ट है। अब कटोरी को देखिए हम अलग कपड़े पे कट करेंगे फ्रेंड्स, अलग लाइनिंग पे। इसके लिए हमने एक्स्ट्रा लाइनिंग और लेनी होगी। अगर आप अपनी कटोरी में जोड़ लगाना चाहते हैं तो इसी इतने कपड़े में भी देखिए यहाँ पे कटोरी बन जाएगी और यहाँ पे कटोरी बनेगी। और यहाँ पे देखिए सबसे पहले अपने स्लीव की कटिंग कर लेंगे, फिर हम कटोरी की कटिंग करेंगे फ्रेंड बचे हुए कपड़े के अकॉर्डिंग। यहाँ पे देखिए चेस्ट का चौथाई हमने कपड़े को फोल्ड किया है, डबल फोल्ड किया है, एक एक स्लीव कट करेंगे, इससे हमारा कपड़ा बचत होगा। देखिए हमने एक लाइन मार्क कर लिया सीधे से। और अपनी स्लीव की लेंथ फ्रेंड्स यहाँ पे हम 3.5 इंच लेंगे, 1 इंच प्लस के हमने मार्जिन का 4.5 इंच ले लिया है। इस तरह से हमने 9 और 4.5 इंच का एक बॉक्स बना लेना है। 9 इंच हमने डबल फोल्ड किया है जितना हमारा चेस्ट का चौथाई, और 3.5 इंच हमारी स्लीव की लंबाई है, 1 इंच हमने मार्जिन का प्लस किया है। और यहाँ पे देखिए 2.5 इंच पे एक लाइन हम और मार्क करेंगे फ्रेंड्स। इस तरह से हम अपना स्लीव कट करते हैं तो हमारा जो स्लीव है एकदम परफेक्ट आता है। और हमारे ब्लाउज की फिटिंग स्लीव पर डिपेंड करती है फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए स्लीव राउंड यहाँ 12 इंच है तो हमने 6 इंच ले लिया है। और इस 2.5 इंच वाली लाइन पे 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे, तो यहाँ पे हमने 6 इंच लिया था, यहाँ पे 7 इंच ले लेंगे। और इस तरह देखिए हम अपने स्लीव का सेप दे देंगे, तो यही हमारे आर्म होल का राउंड होता है फ्रेंड। इसी राउंड के अकॉर्डिंग अपनी फिटिंग करते हैं तो परफेक्ट फिटिंग आती है, हमको आर्म होल का राउंड नापना नहीं होता है। और देखिए 2 इंच हमने मार्जिन लिया है दोनों साइड, इस तरह से देखिए तिरछा करके हमने सेप दे दिया है। अब इस तरह से देखिए फ्रेंड देख लेते हैं, जहाँ पे हमारा बैक का तैयार पार्ट है वहीं से देखिए हम अपने आर्म होल को इस तरह से नापेंगे तो एकदम परफेक्ट हमारा स्लीव का कट आ रहा है। इस तरह देखिए हमारा जो आर्म होल का राउंड है 15 इंच है, तो 15 इंच देखिए आ रहा है। तो हमें अपने ब्लाउज के आर्म होल को नापने से अच्छा है अपने स्लीव के आर्म होल को परफेक्ट कर लें, इसके बाद रख के हम अपने आर्म होल को बढ़ा सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स अब हम अपनी दूसरी स्लीव भी कट कर लेंगे। ये देखिए तो यहाँ पे हमने दोनों स्लीव कट कर ली है, तैयार पे कट लगा लेंगे और एक सेंटर पे कट लगा लेंगे। अब देखिए मैम स्लीव को हमने खोलना है और जो पार्ट हमारा सामने के साइड आएगा यानी फ्रंट पार्ट के साइड आएगा उसमें हम 1/2 इंच की गहराई दे देंगे। सिलाई करते समय ये वाला पार्ट हमारे फ्रंट के साइड आना चाहिए। तो हमने स्लीव की कटिंग परफेक्ट कर ली है। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा कपड़ा बचा है फ्रंट लाइनिंग का, इसमें हम अपनी कटोरी कट करेंगे
और आप अगर 1 मीटर की लाइनिंग लेंगे तो आपको जोड़ कहीं नहीं लगाना होगा, परफेक्ट आपकी स्लीव भी आ जाएगी और एल्बो स्लीव भी, एल्बो लेंथ स्लीव की लेंथ आ जाएगी फ्रेंड्स, और जोड़ भी नहीं डालना पड़ेगा। तो इस तरह से करके देखिए, हमने कपड़े को और ये भी लेना है, तिरछा लेना है फ्रेंड, जहाँ से हमारा कपड़ा तनता हो। तो इस तरह से करके देखिए, हमने कटोरी को रख के पहले स्टिच कटोरी को मार्क कर लेना है। ये देखिए, जैसे हमारे कटोरी का पार्ट है, पहले हमने इसे ऐसे ही उतार लिया है। टक्स वाली लाइन को भी मार्क कर लेंगे। और अब देखिए फ्रेंड, दोनों साइड हम एक इंच एक्स्ट्रा लेंगे, इधर भी हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है और इस साइड भी 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। ये देखिए इस तरह से। अब देखिए फिर कटोरी को हम इस तरह से उठाएंगे और जो जिस पे हमारी मार्किंग उसी पे रखते हुए, जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया वहाँ पे लाके इस तरह से रखेंगे। देखिए जैसे हम रख रहे हैं फ्रेंड, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, कटोरी ही हमारे कटोरी ब्लाउज का सबसे मेन पार्ट होता है। अगर इसका परफेक्ट उभार और परफेक्ट फिटिंग नहीं आएगी तो हमारी ब्लाउज बिगड़ सकती है। तो देखिए इस तरह से करके हमने शेप दे दिया। गले की साइड हमने मार्जिन नहीं लिया है, नीचे की साइड ही लिया है। और देखिए इस साइड का हमने इस तरह तिरछा मिलाना है, जहाँ से हमारे गले की लाइन है वहाँ से 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है उस पर मिलाना है। और अब देखिए फ्रेंड, जितना हमारा पूरा पार्ट आ रहा है कटोरी का, उसका पहले हम सेंटर निकालेंगे और 1 इंच देखिए इसे 1.5 इंच नीचे लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, और इस तरह से देखिए स्टेप में मिला देना है। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड, हमारी कटोरी की मार्किंग हो गई, कटोरी कट कर लेंगे। तो ये हमारे पास देखिए, हमने इसको पहले सेंटर से फोल्ड करना है, सेंटर पे कट लगा देना है, इसे हम टक्स लगाएंगे। सेम इस तरह से हमने एक कटोरी और कट करनी है फ्रेंड्स, देख लेते हैं जहाँ हमारा कपड़ा बचा होगा उसी में से एक कटोरी हम और कट कर लेंगे। देखिए इतना हमने अपनी कटोरी को बढ़ाया है दोनों साइड से। यहाँ पे दूसरी कटोरी कट करेंगे कपड़े को ज्वाइंट करके। तो यहाँ पे हमने देखिए लाइनिंग पे कटिंग कंप्लीट कर ली फ्रेंड, इसी तरह अपने कपड़े पे कट कर लेंगे। देखिए कपड़े पे हमने इस तरह से रखा है पार्ट को, और ये देखिए फ्रेंड, हमने कटोरी को और ये भी जगह पे रखा है, यानी तिरछी जगह पे रखा है। अगर हम इस तरह सीधा रखते तो हमारी कटोरी सही से नहीं आती, तो मैंने देखिए यहाँ पर तिरछा रखा है। और यहाँ पर देखिए, जो हमने 1/2 इंच बैक पार्ट में उठाया था उसको कट नहीं किया, कट कर लेंगे और एस्टिच की कटिंग कर लेंगे फ्रेंड्स। देखिए इस तरह से हमारी कटिंग यहाँ पे कंप्लीट हो गई, फिर इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले फ्रंट देखिए, यहाँ पे हमने फ्रंट पार्ट की सिलाई करनी है। तो साइड वाला पार्ट हमने ले लिया है और इसे हमने देखिए उल्टी साइड से रखा है फ्रेंड्स, इसके ऊपर लाइनिंग को रख लेना है। ये देखिए, अब चारों तरफ से कच्ची सिलाई से लाइनिंग और कपड़े को बैठा लेना है। कपड़ा हम थोड़ा एक्स्ट्रा ही कट करते हैं फ्रंट, जब हम लाइनिंग और कपड़े को बैठाते हैं एक्स्ट्रा रखने से हमारा कपड़ा और लाइनिंग अच्छे से बैठ जाता है, और जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा आता है उसको कट कर देते हैं। लाइनिंग एकदम परफेक्ट कटी होती है, लाइनिंग नहीं कट करेंगे। तो देखिए हमने दोनों पार्ट को इस तरह से बैठा लिया है फ्रेंड। अब देखिए अपनी कटोरी वाला पार्ट लेंगे, और देखिए इसके लिए कपड़े को हमने उल्टी साइड से रखना है, इसके ऊपर कटोरी का पार्ट रखना है और दोनों को आमने सामने रखते हुए रखना है फ्रेंड, ताकि हमारा पार्ट उल्टा ना हो। और देखिए फ्रेंड, दोनों पार्ट को हमने इक्वली कट कर लेना है, क्योंकि ये वाला पार्ट हम पलटेंगे, हमारा कपड़ा जो है बहुत सूत वाला है और सूते निकल रही है फ्रेंड। तो इसको हम देखिए कैसे पलट के बनाएंगे, अंडर पैकिंग सिलाई करेंगे। तो देखिए कपड़े की साइड हमने कपड़े वाली कटोरी को सिलना है, और देखिए फ्रेंड दोनों पार्ट को हम बराबर से रखते हुए सिलाई करेंगे, एक भी पार्ट को हमने खींचना नहीं है। तो देखिए फ्रेंड, जैसे एक साइड का हमने कटोरी ज्वाइंट कर लिया कपड़े का, और अब देखिए लाइनिंग की साइड लाइनिंग वाली कटोरी को रखेंगे, और जिस पे हमने कपड़े वाले पार्ट पे सिलाई की कटोरी पे, उसी सिलाई पे हम दूसरी सिलाई भी चलाएंगे, ताकि हमारी सिलाई इधर उधर ना हो, एकदम उसी पे हमारी सिलाई चलनी चाहिए। देखिए कैसे हम सिलाई कर रहे हैं फ्रेंड, जिस तरह से आप सिलाई करेंगे तो आपकी जो सिलाई है अंदर हो जाएगी, और सिलाई में ब्लाउज में फिनिशिंग दिखेगी फ्रेंड, सूत और रेसे नहीं निकलेंगे। देखिए इस तरह से करके हमने कटोरी के दोनों पार्ट को यहाँ पे लाइनिंग और कपड़े के पार्ट को इस तरह से बैठा लिया फ्रेंड, और कहीं से देखिए हमारी सिलाई नहीं दिख रही है, कितनी फिनिशिंग आई है। और देखिए अब चारों तरफ से कच्ची सिलाई से बैठा लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, आपको कहीं से एक्स्ट्रा दिख रहा है जो थोड़ा बहुत, सो कट कर लेंगे। सेम इसी तरह से हमने दूसरा बना लेना है, दूसरा पार्ट। यहाँ पर हमने दोनों पार्ट को की कटोरी को बैठा लिया है फ्रेंड।
अब देखिए इस पर हम टक्स लगाएंगे। इससे पहले पहले हम बेल्ट को बना लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, बेल्ट को हमको पलटना है। इसके लिए हमने बेल्ट के कपड़े को सीधी साइड से रखा है और इसके ऊपर देखिए लाइनिंग को रख लेना है। ये देखिए फ्रेंड, और यहाँ पे हमने अपने मार्जिन के अकॉर्डिंग इस पर सिलाई करनी है। हम हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए पहले सिलाई कर लेंगे नीचे की साइड हाफ इंच पे। अब देखिए इसको पलट करके एक सिलाई हमने लाइनिंग की साइड चलाना है। और देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमने थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा कट किया है, तो इसको देखिए इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करके एक सिलाई कच्ची नीचे से चला लेंगे तो हमारा जो एक्स्ट्रा कपड़ा है अच्छे से बैठ जाएगा। और फिर इसको कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से करने से हमारा देखिए बेल्ट फिनिशिंग के साथ बैठेगा फ्रेंड्स। और देखिए यहाँ पे एक्स्ट्रा जो दिख रहा है उसको कट कर लेंगे। सिर्फ हमको एक्स्ट्रा कपड़ा ही कट करना है फ्रेंड, लाइनिंग को बिल्कुल नहीं कट करना है। तो इस तरह से हमने देखिए बेल्ट को कम्प्लीट किया है। अपनी कटोरी वाला पार्ट लेंगे फ्रेंड, बेल्ट को देखिए इस तरह से रखेंगे और मेजर करेंगे कितना कपड़ा हमारा बच रहा है। इसी के अकॉर्डिंग अपनी टक्स लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 इंच का हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा बच रहा है बेल्ट के अलावा। तो हमने देखिए जो सेंटर पे कट लगाया था जहाँ पे हम अपनी टक्स लगाएंगे वहीं से हमने देखिए इसको फोल्ड किया है। ये देखिए इस तरह से हमारी टक्स एकदम सेंटर शोल्डर के सेंटर पर आई है फ्रेंड। और जितना हमारा कपड़ा बचा था उसको इस तरह से हाफ करेंगे तो हमारा 1.5 इंच आएगा। इसमें हम 1.5 इंच की टक्स लगाएंगे। टक्स की लंबाई देखिए 3 इंच रखेंगे फ्रेंड्स और टक्स की सिलाई कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से सिलाई को हमने डबल कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से कितना परफेक्ट उभर आया है। और इस टक्स को हम कट नहीं करेंगे क्योंकि फ्रेंड्स कट करेंगे तो हमारे रेशे निकलेंगे, कपड़े के सूत निकल जाएगा। तो हमने टक्स को कट नहीं करना है, इसको हम सिलाई में फोल्ड कर देंगे। देखिए यहाँ पे हमने कपड़े की साइड से कपड़े वाले बेल्ट को पकड़ा है और हाफ इंच के मार्जिन के अकॉर्डिंग फ्रेंड्स हम सिलाई कर रहे हैं। और देखिए टक्स को हमने इस तरह से फोल्ड करना है, इसको कट नहीं करना है क्योंकि हमारा जो कपड़ा है ज़्यादा सूत निकल रहा है इसमें। अगर हम टक्स को कट कर देंगे तो सूत से हमारा कपड़ा खुल जाएगा। ये देखिए हमने हाफ इंच के मार्जिन के अकॉर्डिंग अपने बेल्ट की कपड़े की साइड सिलाई की है। अब देखिए इसको रोल करते हुए ले आएंगे और अब देखिए कपड़े और लाइनिंग के बेल्ट को साथ में पकड़ेंगे बराबर से पकड़ते हुए। उसी पे हमने सिलाई चलानी है जिस पे हमने पहले चलाई थी। सेम हमारी सिलाई एक दूसरे के ऊपर आनी चाहिए, इधर उधर बिल्कुल नहीं जानी चाहिए, हमारी जो हमारे बेल्ट का सेप है जो बिगड़ जाएगा फ्रेंड्स। अब देखिए इस तरह से करके यहाँ से इसको पलट लेना है। ये देखिए फ्रेंड कितनी फिनिशिंग हमारी बेल्ट यहाँ पर बैठ गई है। और देखिए जो एक्स्ट्रा दिख रहा है उसको कट कर देंगे। देखिए परफेक्ट फिनिशिंग के साथ हमारी बेल्ट बैठ गई फ्रेंड्स। इसी तरह से हमने दूसरे पार्ट को भी बैठा लेना है। और देखिए कितनी फिनिशिंग उल्टी साइड से भी दिख रही है। और गले का सेप भी जो थोड़ा बहुत बिगड़ा हुआ लग रहा है उसको भी कट कर लेंगे। यहाँ पे हमने दोनों पार्ट को एस्टिच बना लिया फ्रेंड। दोनों को देखिए एक साथ रखेंगे बराबर से रखते हुए। गले को थोड़ा सा हम और डीप करेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग गले को ऐसे ही रहने दें या और डीप कर सकते हैं जितना आपको पसंद हो। यहाँ पर देखिए हमने हल्का सा सेप दिया गले में। और अब इस पर हम हुकाई की पट्टी लगाएंगे फ्रेंड्स। तो ये हमारी हुक की ब्लाउज है। तो इस साइड देखिए हमने अपनी हुक की पट्टी लगानी है जो लाइनिंग की पट्टी है। इसे हमने ऊपर साइड से सिलकर नीचे की साइड पलट देना है। ये देखिए फ्रेंड्स, अब इसको डबल फोल्ड करेंगे, पूरा नीचे की साइड पलट देंगे। अब इसी तरह से देखिए फ्रेंड्स दूसरी साइड हम बटन पट्टी लगाएंगे। ये हमारे कपड़े की पट्टी है फ्रेंड्स। इसके लिए देखिए कपड़े को हमने उल्टी साइड से रखा है और इसे सीधी की साइड बढ़ाते हुए पलटेंगे। देखिए इस तरह से ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, समझ में आएगा। और एक स्लैम ने और चलानी बटन पट्टी पे, एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर देंगे फ्रेंड्स। देखिए हमने दोनों पार्ट अपना बटन पट्टी रुकाई की पट्टी लगा ली दोनों पार्ट में। और इस पे देखिए फ्रेंड्स हम मशीन से काज बनाएंगे। तो इस तरह देखिए हमने मार्क कर लेना है कहाँ कहाँ पर हमने काज बनाना है और काज को देखिए हम इस तरह से बना लेंगे फ्रेंड्स। तो आपको हाथ से काज बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका टाइम भी बच जाएगा। ये देखिए इस तरह से हमने काज बना लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स,
अब देखिए गले पे हम अपनी पाइपिंग की पट्टी लगाएंगे फ्रेंड्स। दोनों पार्ट को देखिए बराबर से रख के देख लेते हैं, छोटा बड़ा होगा तो हम हल्का सा ट्रिम कर देंगे यानी कट कर देंगे फ्रेंड्स, ये देखिए इस तरह से। और इस पे पाइपिंग की पट्टी लगा लेंगे, आप चाहे तो पाइपिंग की पट्टी लगा सकते हैं या कोई पट्टी पलट सिल्के पलट सकते हैं फ्रेंड्स। तो हमने इस ब्लाउज में पाइपिंग लगानी है, इसके लिए हमने देखिए कपड़े को और कपड़े की जो पट्टी है उसको ओढ़े भी लिया है, और अभी पट्टी को हम खूब खींच के सिलाई करते हैं फ्रेंड्स, इससे हमारी पाइपिंग जो परफेक्ट आती है। यहाँ पे देखिए हमने खींच के सिलाई कर लेनी है, ये देखिए इस तरह दूसरे गले पे हम पट्टी को लगा लेंगे। और फिर पट्टी को देखिए फ्रेंड्स इस तरह से फोल्ड कर देना है, फोल्ड करने के बाद इसको हम शोल्डर पे ज्वाइन करके फिर पाइपिंग बैठाएंगे। देखिए इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, और जब हम शोल्डर पे इसको फोल्ड करके ज्वाइन करेंगे फ्रेंड्स बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से अपने पट्टी को फोल्ड कर लिया है, अब इसी तरह से हमने दोनों पट्टी को फोल्ड कर लेना है। और देखिए बराबर से रख के फ्रेंड्स इस पर हम फिटिंग की मार्किंग को देख लेते हैं, क्योंकि इस पर हम पूरा ब्लाउज नहीं सिल पाएंगे, हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है फ्रेंड्स। तो देखिए हम फिटिंग देख लेते हैं, तो यहाँ पर मैंने पट्टी को साथ रखा है, बटन पट्टी को बढ़ाते हुए कमर का चौथाई हमने लिया है 7.5 इंच, 29 कमर है फ्रेंड्स, और चेस्ट हमारी 36 है, 36 का चौथाई 9 इंच लिया है। और इस तरह से देखिए एकदम परफेक्ट हमारी मार्किंग आई, जैसे हमने मार्किंग करते समय कटिंग करते समय मार्किंग लगाई थी उसी पे हमारी देखिए फिटिंग की सिलाई भी आई है। दोनों साइड इस तरह से मार्क कर लेंगे, और शोल्डर को ज्वाइन करके फ्रेंड पाइपिंग लगा लेंगे, फिर ब्लाउज में अपनी स्लीव लगा लेंगे और फिटिंग लगा के ब्लाउज को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले फ्रेंड देखिए अपने बैक पार्ट को ले लेते हैं और इस तरह से रख के देख लेते हैं हमारा दोनों पार्ट बराबर है कि नहीं। तो हमारा देखिए फ्रंट बैक दोनों एकदम इक्वल आया है। इस तरह से आप ब्लाउज की कटिंग करेंगे फ्रेंड तो आपकी ब्लाउज की फिटिंग भी अच्छी आएगी, और कहीं से आपको छाटना काटना नहीं पड़ेगा, ब्लाउज बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने अपने ब्लाउज को बना के कंप्लीट भी कर लिया है, और ब्लाउज देखिए कितना सुंदर लग रहा है फ्रेंड देखने में। उल्टी साइड से भी इस ब्लाउज की फिनिशिंग बहुत अच्छी आई है, अगर आप ब्लाउज को उल्टा करके देखेंगे तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो और समझ में आया हो फ्रेंड तो एक लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू।